गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम दोनों तैयार होके जा रहे हैं बाहर घूमने। कहाँ जा रहे हो घूमने? ये तो मुझे भी नहीं पता, इनको पता है कहाँ जा रहे हैं। इनका एक दोस्त आने वाला है, तो मैं हूँ रेडी शेडी होकर तैयार। ये है मेरा छोटा सा बैग और हम अनलकीली कार से ही जाने वाले। मेरा तो बहुत मन था कि हम बाइक पर जाए, पर वो नहीं हो पा रहा है। तो चलिए, आज का मैंने कुछ और ही प्लान बनाया था पर पूरा कैंसिल हो गया, क्योंकि आविष्कार का कुछ और ही प्लान था आज का और उसने मुझे सरप्राइज कर दिया, क्योंकि बताया है नहीं और मुझे सुबह सुबह पता चला, तो मैं जल्दी जल्दी तैयार हो गई और अभी हम लोग जाएंगे घूमने थोड़ा सा। पर जो ये सब दुकानें हैं, एक्चुअली यहाँ पर एक मेला आया हुआ है और मैं अभी तक इस मेले पे नहीं गई, पर मुझे आज बहुत मन कर रहा है कि मैं आ जाऊँ आज शाम को। और हाँ, मुझे अभी पता चला कि हम आज जा रहे हैं एक फार्म हाउस पे और मैंने इसके पहले कभी भी फार्म हाउस नहीं गई, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पता नहीं क्या दिखने को मिल जाए, तो चलते हैं फार्म हाउस पर। तो हम लोग अभी पहुँचे हैं और अभी वो लोग बातें कर रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि मैं फार्म हाउस रास्ता घूम लूँ और आप लोगों को भी दिखा दूँ, क्योंकि फार्म हाउस में पहली बार आई हूँ तो मुझे पता नहीं एक्चुअली फार्म हाउस होता कैसा है। ये जो आप लोग छोटे छोटे पौधे देख पा रहे हो, ये है पत्ता गोभी के पौधे, बस उन लोगों ने ऐसे ही बोया है, थोड़ा सा बड़ा होने के बाद खेतियों में ये लोग लगा देंगे। और ये है एलोवेरा के पौधे और यहाँ पर इन लोगों ने लगाया कुछ स्ट्रॉबेरी के पौधे। और मुझे ये आइडिया तो बहुत बढ़िया लगा कि आप ऐसे प्लास्टिक पे होल करके स्ट्रॉबेरी के पौधे लगा सकते हो, ताकि जो स्ट्रॉबेरी जब आपके पेड़ पे आए वो मिट्टी के साथ टच ना हुए। तो मुझे तो ऐसा आइडिया बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसी लगी? और अभी हम जाएंगे बनाना बगान पे। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा सा केले लगा हुआ है, मतलब आ चुका है पेड़ पे। और मैं इतना बड़ा सा केले के बगान पे पहली बार आई हूँ और थोड़ा सा घूम रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो मैं आना ही नहीं चाहती थी, मुझे बिल्कुल मूड नहीं था आने का, पर अब सोच रही हूँ कि अगर ना आती तो पछताती, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद। बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं देखी थी कि किस यार। ये देखिए, ये है पाइप्स जिसके ज़रिए पानी दिया जाता है पेड़ों पर, और मतलब ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत नई है यार। तो हम अब केले के बगान से निकल के एक नए बगान पे एंट्री मार रहे हैं, और ये बगान है ड्रैगन फ्रूट्स के बगान। और पर एक भी पौधे में ड्रैगन फ्रूट्स नहीं है, अगर रहता तो मज़ा ही आ जाता, पर कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये भी चलता है, सब कुछ चलता है ज़िंदगी में। ये है ड्रैगन फ्रूट की बगान, यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। और ये देखिए बहुत सारा पौधा है यहाँ पर, और मैं पहली बार आई ड्रैगन की बगान पे, और मैं बातें कम कर रही हूँ क्योंकि ये लोग बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर है एक थोड़ा सा छोटू सा पुकुर। ये है मिट मसाला का पेड़ और यहाँ पर है दोनों इलायची का पेड़, एक बड़ा इलायची का और एक छोटा इलायची का। एक्चुअल में मुझे ना पता नहीं था मिट मसाला का भी कोई पेड़ होता है, मुझे लगा था कि सारे मसाले मिलकर कूटकर मिट मसाला बनाया जाता है। और इस पेड़ का जो सुगंध है इतनी अच्छी है, मतलब क्या बताओ, कुछ नींबू जैसी। इस तरफ हो रही है भार्मी कॉम्पोस्टिंग यानी बायोडिग्रेडेबल
फर्टिलाइज़र जिससे होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ये चीज़ बिल्कुल नई है मेरे लिए और यहाँ से निकल रही है बहुत सारी बदबू, पर आप लोगों को ये दिखानी थी मुझे तो मैं इस तरफ आ गई। और ये देखिए मैं अच्छी तरह से आप लोगों को दिखा दे रही हूँ और एक्चुअली मैं भी दिख रही हूँ। हम लोग बस अभी निकले हुए हैं फार्म से और बस घर जाने की तैयारी है, घर चले जाएंगे अभी। अभी हम जा रहे हैं घर पे और घर पे जाने के बाद हम फिर से निकल पड़ेंगे क्योंकि उसकी अविष्कार के दीदी के घर पे हम लोगों का इनविटेशन है। तो अभी तो 10:30 बज चुकी है और घर जाके खाना खाएंगे, उसके बाद उसकी दीदी के घर में जाकर कब पता नहीं कब खाना खाएंगे, मतलब कितने बार खाना खाएंगे हम लोग आज आज टाइम हम लोगों का थोड़ा मिसमैच हो गया। तो अब जल्दी जल्दी जाएंगे और फिर तैयार भी होना पड़ेगा और मेरा देवर जी भी जाएगा हमारा साथ में। चलिए घर। यहाँ पर मुझे एक अजीब तरह की सड़क दिखाई दी और इस तरह की सड़कें यहाँ पर नहीं बनती है ज़्यादातर, मैंने तो कभी नहीं देखा। और हम लोग अभी जा रहे हैं गुफा के अंदर, ऊपर है ट्रेन लाइन और ट्रेन लाइन के ऊपर ना दो लोग साइकिल खड़ा करके बातें कर रहे हैं और ये पता नहीं किसका कार है। और अभी हम इस कार को ओवरटेक कर लेते हैं उसके बाद बातें करते हैं। हाँ हाँ, और इस सड़क की खास वजह ये है, आधा रास्ता तो बहुत अच्छी तरह से बनी हुई है एकदम प्लेन मखमल की तरह, आधे रास्ते जिस तरह से ऊपर से हम जा रहे हैं बिल्कुल भी नहीं बनी, पता नहीं क्यों कुछ भी नहीं हुआ। कुछ देर पहले हम आ गए घर पे और घर पे आने के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा काम कर ली जो मेरा सुबह का पड़ा हुआ था, पर अभी भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। मैंने सोचा था कि घर को अच्छी तरह से सजा लूँगी आज, सुबह का तब प्लान नहीं था पर मतलब अचानक से बन गया प्लान, हम लोग निकल पड़े तो कुछ भी नहीं हुआ मेरा आज। और कुछ देर बाद मुझे दीदी के वहाँ पर भी जाना है, वहाँ पर 2-3 घंटे तो लग ही जाएगा, तो पता नहीं आज का मतलब घर को सजाने का काम हो पाएगा या नहीं, पर मेरा बहुत इच्छा है कि मैं कर लूँ। और देखिए ना मेरा घर मतलब ऐसा ही पड़ा हुआ पूरा का पूरा घर, मैं दिखाना नहीं चाहती क्योंकि बहुत ही गंदा है। और मैं भी लगाऊंगी नेल पॉलिश क्योंकि मेरा नेल्स का हालत बहुत ख़राब है। घर पे जब रहती हूँ तो अच्छी तरह से नेल पॉलिश लगा कर बैठी रहती हूँ और जब कहीं पर मतलब जाने का टाइम आ जाता है ना तब मेरा नेल्स का हालत ऐसा हो जाता है। तो अभी मेरे पास टाइम है तो मैं कर लूँगी नेल पॉलिश, लगा लूँगी, उसके बाद नहाना है, तैयार भी होना है, तो सब कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैं हो गई तैयार पूरी तरह से और ये है मेरा आज का लुक, पता नहीं दिख भी रहा है नहीं, पर आज ना मैं पूरी तरह से ठीक टाइम पे तैयार हो चुकी हूँ। और आज आविष्कार पहली बार लेट है, पहली बार नहीं, वो पहले भी 2-3 बार लेट हो चुका था, पर मैं ज़्यादातर लेट करती हूँ साड़ी पहनने में। और ये साड़ी मैंने बहुत दिन बाद पहनी क्योंकि ये साड़ी मैंने शादी के पहले खरीदी थी और उसके बाद मैं भूल ही गई इस साड़ी के बारे में। तो आज का लुक आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अभी देर बज चुका है, हम लोगों को अभी निकलना है। A few moments later. आज जिंदगी में पहली बार ठीक टाइम पे तैयार हो चुकी हूँ, पर मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई तैयार नहीं है, कोई भी तैयार नहीं है, हाय मेरा कोई वैल्यू नहीं है। तो बस अभी हम लोग दीदी के घर से निकले हुए हैं और अभी हम लोग जाएंगे मेले पे। हम लोगों का ऐसे ही सडनली प्लान बन चुका और मैं बहुत खुशी हूँ, मतलब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम मेले पे जाएंगे।
यहाँ पर एक काली माता का पूजा हुआ है और उसी पूजा के लिए ही ये मेले बैठा हुआ है यहाँ पर। तो मैंने दो फूल ले ली पूजा देने के लिए और मैं माता की दर्शन करवा रही हूँ आप लोगों को। और पिछले साल भी हम लोग यहाँ पर आए थे, मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ पर आना और मैं हमेशा चाहती हूँ कि हर साल मैं यहाँ पर आऊँ। इस साल ये मेले कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंड कर चुका है पिछले साल से ज़्यादा और हम लोग इस तरफ पहली बार तो कभी आए नहीं, शायद पहली बार इस तरफ मेले बैठ चुका है। और हम लोग एक मिठाई की दुकान ढूंढ रहे हैं और हमें मिल गई क्योंकि मेरे देवर जी का कुछ गुड़ का मीठा खाना था तो मेरे हस्बैंड जी उसे वही खरीद के दे रहे हैं। और ये देखिए इस बच्चे की जंप्स मैं दिख रही थी, क्या जंप है, पर बेचारे को डांट पड़ गई इस वजह से। तो हम लोग घर में पहुंच चुके हैं, कुछ देर पहले ही आया। आज का दिन बहुत ही हेक्टिक था, कुछ कुछ चीज़ें हमने ऐसा की जो बिल्कुल प्लान्ड नहीं था, जैसे कि हमने मेले पे गई वो बिल्कुल प्लान्ड नहीं था, बस ऐसे ही हम चले गए और कुछ देर पहले ही आए। और उसी बीच मुझे याद आया कि आप लोगों से बातें मैंने बहुत टाइम से नहीं की, तो मैं अपडेट दे देती हूँ कि हाँ हम घर में पहुँच चुके हैं। और मैं आज का वीडियो यही एंड करती हूँ क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। और मिलेंगे आप लोगों के साथ फिर से एक नया व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और बहुत अच्छी रहेगा, खुश रहेगा और खुशियाँ बांटिएगा भी। बाय बाय।